वहीं हरीश रावत ने कांग्रेस को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत ने कहा कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है, कांग्रेस का फार्म इस समय डाउन है। उन्होंने कहा कि हर एक पार्टी का समय आता है और ऐसे में इस वक्त अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी का फार्म डाउन है, पहले से कांग्रेस पार्टी काफी कमजोर हुई है। यह बड़ा बयान हरीश रावत ने दिया, कांग्रेस को लेकर यह बयान हरीश रावत की ओर से दिया गया है। कांग्रेस पार्टी पहले की अपेक्षा काफी कमजोर हुई है। थोड़ा सा वक्त होता है किसी समय हर पार्टी के इतिहास में, जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि बल्लेबाज कभी कभी आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, तो कांग्रेस इस समय थोड़ा सा जो है फॉर्म डाउन है, आउट तो नहीं है लेकिन फॉर्म डाउन है हमारा, हम रिगेन कर लेंगे उसको, हम देश के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं थोड़ा सा। वहीं उत्तराखंड की बाकी 11 सीटों पर आज भाजपा ऐलान कर सकती है। आज जारी हो सकती है भाजपा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। भाजपा का 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना अभी बाकी है। 59 सीटों पर भाजपा अपने प्रत्याशी घोषित पहले ही कर चुकी है और जो बची हुई 11 सीटें हैं उस पर आज सूची सामने आ सकती है। टिकट दावेदारी को लेकर भाजपा में घमासान मचा हुआ है। भाजपा का आलाकमान लगातार टिकटों को लेकर मंथन कर रहा है, किसको किस सीट से लड़ाना है। ये बड़ी चुनौती है भाजपा के लिए क्योंकि बची हुई 11 सीटों पर अभी नामों की घोषणा नहीं हुई है।